सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। दरअसल ना एहसास की मंगनी जिब्रान से कुछ दिन पहले ख़त्म हो गई थी तो अब उसकी शादी हम खानदान से बाहर कर रहे हैं। वो बहुत गंदी हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ कभी बात मत करना और कभी अकेले उनसे मत मिलना। बस खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दे सदाकत साहब, बस खुशी है मेरा बच्चा। सुना है लड़का तलाक याफ्ता है, उसकी एक बेटी भी है। अम्मी हमाद भाई की मेडिसिन का टाइम हो गया है, मैं उन्हें अंदर ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ ले जाओ इसके कमरे में इसको। आप लोग भी चलिए। जी क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। आईने में शक्ल देखिए, उस दो टके की लड़की की खातिर बुजदिलों की तरह यहाँ बैठकर आंसू बहा रहे हो। क्या हो गया है जिब्रान, बस करो बंद करो ये मातम। मुझे किसी का सामना नहीं करना, चली जाए आप यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। कैसे अकेला छोड़ दूँ और क्यों अकेला छोड़ दूँ? कब तक यहाँ बैठकर उसका शोक बनाते रहोगे? मैं तो कहती हूँ कि ना खा रहा हो ना पी रहा हो, खुदकुशी करने का इरादा है तुम्हारा? इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, जब तक उससे बदला नहीं ले लूंगा नहीं मरूंगा मैं। बदला? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ इनका बदले की बात भी मत करना। अरे दुनिया खूबसूरत लड़कियों से भरी पड़ी है, एहसास पे आके दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मेरी दुनिया उसी पर आकर खत्म होती है। बदला तो मैं उससे जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या करूं उस लड़के का, क्या हो गया है इसे? जिब्रान मेरी बात तो सुनो बेटा, क्या हो गया है जिब्रान? ज़ैन तो मुझे यहाँ क्यों लेके आया? हमाद भाई आप यहाँ रुके हैं,
अम्मी यहाँ पे कमरे की सेटिंग करवा रही हैं। सेटिंग? कैसी सेटिंग? कहीं उसका सामान तो नहीं रख रही मेरे कमरे? देखो वो लड़की मेरे बेडरूम में नहीं रहेगी, इसी शर्त पे मैं इस शादी के लिए राजी हुआ। डोंट वरी हमाद भाई, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मेक इट श्योर। हाँ हाँ, मैं रजिया से कहकर आपकी मेडिसिन ही मंगवा देता हूँ। देखिए, जिंदगी में ना मैंने किसी से झूठ बोला है ना ही धोखा दिया है। सिर्फ आपके कहने पर सदाकत साहब से और एहसास से हकीकत छुपाई है मैंने। उसकी जिम्मेदार आप है, आप। आपको अब ये सारा मामला सुलझाना है। देखिए, सदाकत साहब को भी आप ही बताएंगी सारी हकीकत। और रही बात एहसास की, तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो हकीकत को तस्लीम कर ले। बस यही मैंने आपसे कहना था। अब इस मामले को आप ही सुलझाएंगी। तुम यहीं खड़ी रहोगी, घर नहीं चलोगी? नहीं, आप जाएं, मैं आज अम्मी की तरफ जाऊंगी। वैसे बड़े अफसोस की बात है, पैसे की खातिर तुम लोगों ने खानदान का अच्छा भला रिश्ता ठुकरा कर तुम लोगों ने इस अपाहिज को चुना है। पैसा भी क्या चीज है ना, अच्छे अच्छों का ईमान खराब कर देता है। मैं आते हुए यही सोच रही थी कि आखिर इन दौलतमंदों ने एहसास में देख क्या लिया, लेकिन अब पता चला कि उन्हें अपने बेटे के लिए बीवी नहीं नर्स की जरूरत थी, जो उन्हें एहसास के रूप में मिल गई। अरे दुल्हन, तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू घर वालों की जुदाई के हैं या अपनी किस्मत की बर्बादी के? ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस थोड़ा सा बोलूंगी। क्या करूं, मजबूरी है मेरी। ये जो आसाइशों भरी जिंदगी का तुमने इंतखाब किया है ना, ये आसाइशों भरी जिंदगी कम कांटों की सेज ज्यादा है, जो सारी जिंदगी तुम्हें पल पल चुभती रहेगी। चलो मेरी चाह, तुम्हें उस फूलों भरी सेज पर ले चलो। चलो आज आ जाओ, मत शर्माओ, आज। बैठो, ये तुम्हारा बेडरूम है। ठीक हूँ मैं। नहीं नवेली दुल्हन हो तुम, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जो मैं कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। कल से जो तुम्हारे दिल में आए करना,
चलो शाबाश, इजी होके बैठो। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला दिया। भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं हमाद को लेकर आती हूँ। क्या करें, मजबूरी है, वो बेचारा खुद से तो आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कहूंगी कि आज के दिन तो वो खुद आ जाए। जो एक अल्फाज भी अपने बाप के सामने तुमने बोला। वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम्माद की माजूरी का पता चलेगा ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे वो। अच्छा, कब तक छुपाएंगी आप उनसे? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। मुझे एक बात बताएं अम्मी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दौलत की हवस आपसे इतनी घिनौनी साजिश भी करवा सकती। आपके एक गलत फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब उस बेचारी एहसास को आपने इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैंने इसको किसी मुसीबत में नहीं डाला है, हम्माद का इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा वो। और यही सारे लोग एहसास से हसद करेंगे, और जो तुम्हें हमदर्दी का बुखार चढ़ाना है, सबसे पहले तुम ही आगे खड़ी होगी इसकी जिंदगी पर रक्ष करने वाली। क्या गारंटी है इस बात की? वो मुराद साहब ने कहा कि उसका इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मुझे ये भी बता दीजिए कि इस डील के बदले में आपने मुराद साहब से क्या क्या लिया है। बकवास क्यों कर रही हो? इतनी घिनौनी हरकत मैं नहीं कर सकती, और अपनी माँ से ये बात कर रही हो तुम? आप कुछ भी कह ले अम्मी, मैं आपकी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से आपको मुराद साहब से अकेले में बात करते हुए देखा है। आपकी कोई बात नहीं मैं सुनूंगी। और अम्मी, आपको अंदाजा भी है आपने अपने लालच में एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? आपको पता है इसका कितना बड़ा गुनाह है? बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम्माद जैसे लड़कों के लिए लड़कियां मरती हैं, रिश्तों की कमी नहीं थी उसे, और तुम दोनों बहनें तो सदा की नाशुक्री हो, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता है बकवास किए जाती हो। मैंने उसकी जिंदगी बिगाड़ी नहीं है, संवार रही हूं मैं, उसकी जिंदगी संवर जाएगी देख लेना। और हाँ खबरदार, इसके बाद मुझसे तुम कोई भी बहस नहीं करोगी। आपसे अब बहस करने का कोई फायदा है भी नहीं, आपने जो करना था वो आप कर चुकी। अब देखना यह है कि जब ये बात अब्बू के इल्म में आई थी तो उनका क्या रद्द अमल होगा। आज या कल तो उनको पता चल ही जाएगा ना, और यकीन करें अम्मी, अब्बू आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। और अब्बू ही क्या, मैं भी आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुना आपने? माफ नहीं करेंगे, ना करेंगे, मुझे जरूरत भी नहीं किसी की माफी। क्या कर रहे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? किसने भेजा तुम्हें? वो है आंटी, आंटी, आंटी। जी साहब जी। आंटी कहाँ? जी वो तो सो गई है। इन्हें मेरे कमरे में किसने भेजा है? जी मुझे नहीं पता साहब जी,
लेकिन आपके कहने पर मैंने गेस्ट रूम सेट कर दिया है। ठीक है, तो फिर इन्हें उस गेस्ट रूम में ले जाओ और आज के बाद ये उसी कमरे में रहेगी। और हाँ, इन्हें ये भी बता दो कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में दाखिल होने की कोशिश मत करें। जी साहब जी, चलिए आपको आपके रूम में छोड़ा। अमाद को नाश्ता भिजवा दिया आप? जी भाई साहब, उसको नाश्ता तो मैंने सुबह भिजवा दिया था। और एहसास बेटी, वो नाश्ता करने क्यों नहीं आई? मैंने रजिया से कहा था बुला के लाए उसे, लेकिन उसने कहा है कि उसका नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह? दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन नाश्ते के वक्त एहसास को यहाँ मौजूद होना चाहिए। यहाँ के तौर तरीके आपने उसे सिखाने हैं। अभी बहुत खिदमत कर ली आपने इस घर की, मैं चाहता हूं कि अब आप आराम कीजिए। घर की सारी जिम्मेदारी आप एहसास को सौंप दीजिए। सुगढ़ है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, संभाल लेगी। हाँ, याद आया, मरियम से मुलाकात करवाई आपने एहसास की? नहीं भाई साहब, अभी तो नहीं करवाई, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला। वो रजिया बता रही थी कि एहसास का रात में काफी मूड ऑफ था। नया घर है, नए लोग हैं, थोड़ा वक्त तो लग जाता है एडजस्ट करने में। और फिर उसके बाप की तबीयत भी ठीक नहीं, हो सकता है कि उस वजह से परेशान। खैर, आप उसका नाश्ता भिजवा दीजिए उसके कमरे में। जी भाई साहब, वो नाश्ता तो मैं भिजवा दूंगी, लेकिन रसिया बता रही थी कि एहसास ने आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कोई सच्चाई नहीं छुपाई। रिश्ता होने से पहले मैंने सब कुछ तुम्हारी माँ को बता दिया था। मैंने नहीं की थी, उन्होंने खुद की थी। और वैसे भी आप सारा वक्त घर पे फारिग बैठे रहेंगे, कोई नौकरी नहीं करेंगे। वैसे मुझे शक पड़ रहा है, तुम्हारे घर वालों ने कहीं तुम्हारी शादी जबरदस्ती तो नहीं की?